चित्रकूट मऊ नगर पंचायत के महामती प्राणनाथ महाविद्यालय में आज 9 अगस्त को काकोरी कांड में शहीद हुए देशभक्तों को याद किया गया तथा आज से एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने काकोरी कांड को बदलकर इसकी महत्वा को बढ़ाया और कटोरी हादसे को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का नाम दिया। कार्यक्रम का आयोजन 2024 9 अगस्त से 2025 9 अगस्त तक के लिए मनाया जाएगा। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यवाही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध करने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी जो 9 अगस्त 2025 को घटी थी और इसी प्रकरण पर 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खान को फांसी देकर मृत्युदंड दिया गया था। इसी प्रकरण को याद करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों में अधिकारियों के सानिध्य में कार्यक्रम किए जाने के आदेश दिए हैं। आज के महामती प्राणनाथ महाविद्यालय नाथ में उप जिलाधिकारी मऊ राकेश कुमार पाठक व क्षेत्राधिकार मऊ मानिकपुर जयकरण सिंह ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मऊ SDM ने अपने वक्तव्य में काकोरी कांड के शहीदों को याद किया तथा आगे देश की स्थिति पर बात कही। CO मऊ मानिकपुर ने भी अपने विचार काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में व्यक्त किए। कार्यक्रम के आयोजक सुंदरलाल सुमन प्रबंधन मंत्री ने किया व संचालन डॉक्टर यश कुरील ने किया। कार्यक्रम में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी तथा लड़कों की संख्या कम थी, इस बात को प्रबंधक ने स्वयं बताया और आगे चलकर एक वर्ष तक इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्राएं शामिल होंगे और मऊ उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी मऊ मानिकपुर को कार्यक्रम में आगे शामिल होने के लिए भी आग्रह किया। क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने ये अपनाया कि इनका कुछ आर्थिक क्षति किया जाए कांग्रेस के, ये अंग्रेजों का, उन्होंने ये जो ट्रेन आ रही थी इसको वहाँ पर ढूंढ करके इस पे ढूंढ करके उनका खजाना लूटा। इसके बाद उनको फिर गिरफ्तार किया गया, फिर अन्य कार्रवाइयाँ हुई। तो ये एक स्वतंत्रता दिलाने के, अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक शुरुआत थी और इस शुरुआत के आगे आगे चल करके ये बाद में हमको स्वतंत्रता प्राप्त। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।